In this section, I will explain what is meant by active and passive investing. So these are the two important concepts or the two types through which we can explain this investment behavior. So active investment, or active investing requires a hands-on approach. Just quickly agar. फॉल इन द प्राइस हुआ है राइज इन द प्राइस हुआ है तो आप क्विक डिसीशन मेकिंग से फटाफट इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं थ्रू आउट एंड दैट इज ऑलवेज कैरिड आउट बाय द एक्सपर्ट्स या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो हैं वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट में बेसिकली um, डील करती हैं ऑन द अदर हैंड वी हैव गॉट द सेकेंड टाइप एंड दैट इज कॉल्ड द पैसेव इन्वेस्टिंग पैसे इन्वेस्टिंग में बाइंग एंड सेलिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू एक्टिव इन्वेस्टिंग सो एसिफ इन्वेस्टिंग मीन्स दैट यू आर वेटिंग एंड देन यू आर बेसिकली स्पेंडिंग मनी और यू आर बाइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और यू आर सेलिंग द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बट यू टेक दीज डिसीशंस बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट एंड दैट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियसली डन तो अगर आप स्पॉन्टेनियसली कर रहे हैं काम या क्विकली कर रहे हैं या बाइंग एंड सेलिंग बहुत छोटे इंटरवल्स के अंदर हो रही है तो आप एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं पैसिव इन्वेस्टिंग में तो आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज लेस एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल एंड परचेज दैट इज डन इन एक्टिव इन्वेस्टिंग और इसमें यूजुअली लोग क्या करते हैं कि वो इंडेक्स फंड्स में या म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे डालते हैं और उसमें फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व नहीं होती नाउ

जो कमी आती है प्राइस में या इंक्रीज आता है उसको हिसाब लगा के आप रेडीली इन्वेस्ट करते हैं बाइंग सेलिंग करते हैं और उसके थ्रू आप मार्केट के रिटर्न जो एवरेज रिटर्न है उससे ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो आप करने ही क्या कोशिश कर रहे हैं आप मार्केट की एवरेज रिटर्न से ज़्यादा पैसा कमाएंगे अगर तो इसका मतलब है यू आर सक्सेसफुल इन बीटिंग द मार्केट तो टू बीट द मार्केट का मतलब है टू मेक मनी मोर देन टू जनरेट अ रिटर्न मोर देन द एवरेज मार्केट रिटर्न मार्केट के अंदर जो एवरेज चल रही है उससे अगर ज्यादा आपने पैसे कमा लिए किसी तरह सेलिंग एंड परचेज करके परचेजिंग करके तो इसका मतलब है कि यू हैव यू आर सक्सेसफुल इन बीटिंग द मार्केट सो एक्टिव इन्वेस्टमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है दैट यू ट्राई टू बीट द मार्केट टू मेक मोर मनी दैट इज दैट कैन बी अर्न

क्योंकि आप उस पर्टिकुलर उतार चढ़ाव का दैट कुड बी डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस के ऊपर क्विक डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और यू आई ऑन द डायनामिक्स ऑफ द कैपिटल मार्केट के इसमें क्या चल रहा है मनी मार्केट में क्या ट्रांजेक्शन आ रही हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या पॉलिसी चेंज हुआ है और पैनिक आ गया है कुछ भी तो आप इन चीजों को मद्देनजर रख के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग करने के लिए एक्टिव इन्वेस्टिंग करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर है दे कंसिडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दे इन्वॉल्व द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दे इन्वॉल्व दैट द द मेकिंग कोटिव इंफॉर्मेशन सो दे बेसिकली लुक एट द ओवरऑल

वी कैन सी दैट बोथ इन्वेस्टर्स और द इंटरमीडियरीज गो फॉर बोथ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिव एंड पैसि इन्वेस्टिंग बट जनरली हमने ये देखा है कि अगर हम हिस्टोरिकल डेटा उठा के देखें तो उसमें ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो पैसिव इन्वेस्टमेंट में की पैसिव इन्वेस्टिंग वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करके की जाती है और अन अदर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू नो इज़ दैट विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग के एक्टिव और पैसिव से कौन सी कैटेगरी के थ्रू कौन से स्ट्रेटजी के थ्रू आप हिस्टोरिकली यू हैव यू कैन सी दैट विच इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी कैन हेल्प यू इन मेकिंग मोर मनी तो पैसिव इन्वेस्टिंग हालांकि वो देखने में नहीं लगती कि वो इस बहुत ज्यादा रिटर्न आपको देगी लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल डेटा उठा के देखें तो हमें वहाँ से ये देखने को मिलता है कि इन्वेस्टर्स ज्यादातर पैसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और सबसे ज़्यादा रिलेटिवली दोनों में से पैसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर जो लोगों ने रिटर्न जनरेट किए हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द मनी विच हैज़ बीन और द रेवेन्यूज दैट आर जनरेटेड यूजिंग द एक्टिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी नाउ एक्टिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी इज़ बिकमिंग पॉपुलर जैसे आपने देखा कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो गई है काफ़ी और uh, हर बंदा ये कोशिश करता है कि किस तरह से हम एवरेज जो मार्केट रिटर्न है उसको बीट करके मोर मनी जनरेट कर सकें सो so, खास तौर पे जब मार्केट में बड़े किस्म के फ्लक्चुएशंस आते हैं वहाँ आपको बहुत तेज़ी से uh, देखने को मिलता है कि जो एक्टिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है वो इस्तेमाल करके जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो एडवाइस करते हैं कंपनीज को कि इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें और सो दैट यू कैन मेक मोर मनी